कुछ साल पहले हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमें ऐसे हालात में यहाँ इकट्ठा होना पड़ेगा। पिछले कुछ वक्त से हमारे देश की मूल आत्मा को एक सोची समझी साजिश करके जिस तरह कुचला जा रहा है वह हम सभी के लिए बेहद चिंता की बात है। जिन संस्थाओं ने हमें बुलंदियों तक पहुंचाया उन सभी को जानबूझकर करीब करीब खत्म कर दिया गया है। 65 साल में बड़ी मेहनत से तैयार किए गए जन कल्याण के बुनियादी ढांचे और सर्वसमावेशी ताने बाने को वर्तमान सरकार ने पूरी तरह नष्ट करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। आज हमें देशभक्ति की नई परिभाषा सिखाई जा रही है। विविधता को अस्वीकार करने वालों को देशभक्त बताया जा रहा है। जाति धर्म और विचारधारा के आधार पर अपने ही नागरिकों से भेदभाव को उचित ठहराया जा रहा है। हमसे उम्मीद की जा रही है कि खान पान पहनावे भाषा और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मामले में कुछ लोगों की मनमानी हम बर्दाश्त करें। वर्तमान सरकार असहमति का सम्मान करने को बिल्कुल राजी नहीं है। जब अपनी अस्ताव पर टिके रहने की वजह से लोगों पर हमले होते हैं तो सरकार क्या करती है? सरकार अपना मुंह फेर लेती है। कानून का राज लागू करने का अपना बुनियादी फर्ज पूरा करने को यह सरकार तैयार नहीं है। मौजूदा सरकार करोड़ों देशवासियों से तो उनकी जिंदगी बेहतर बनाने की संभावनाएं छीन रही है। ऐसी नीतियां बनाने में लगी है जिनसे उसके चहेते उद्योगपति और बड़े कारोबारी फलते फूलते हैं। हमें पूरी हिम्मत के साथ इसका विरोध करना होगा। भारत को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो देश के सभी नागरिकों के प्रति उत्तरदायी हो, जो अपने संकल्पों के प्रति गंभीर और अपने कामकाज में निष्पक्ष हो। हमें अपने संविधान की समावेशी सेक्युलर और उदार भावना को फिर से बहाल करना है। संविधान में जिस बुनियादी स्वतंत्रता और अधिकारों की गारंटी है उन्हें फिर से स्थापित करना होगा। एक एक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा फिर से सुनिश्चित करनी होगी। हमें उन संवैधानिक मूल्यों को फिर से कायम करना होगा जो हर देशवासी को अपनी राय रखने की आजादी देती है, हर भारतीय को बराबरी का हक देते हैं और संसाधनों पर सभी को सम्मान अधिकार देते हैं। आज हम किसी को यह हक छीनने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। मैं यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ इसीलिए खड़ी हूँ कि हम सबके मन में भारत की एक जैसी सोच है। मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ कि
कि हमारे आपके बीच एक खास रिश्ता है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हमारी यूपीए सरकार थी, तब सरकार और सिविल सोसाइटी ने मिलकर एक नया प्रयोग किया था, जिसमें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को संस्थागत स्वरूप दिया गया था और हमने सरकार की ताकत और सिविल सोसाइटी के जमीनी अनुभवों और उनके कामों को साथ लेकर चलने का तरीका अपनाया और जनता को अधिकार संपन्न करने के कानून बनाए। ये कोई आसान काम नहीं था। सरकारी व्यवस्था की सीमाओं और पारंपरिक तौर तरीकों के कारण बहुत सी चुनौतियां आईं, लेकिन सिविल सोसाइटी के सहयोग से कैबिनेट और कार्यपालिका में तालमेल बनाए रख सके और ऐसी नीतियां बनी जिनसे करोड़ों देशवासियों के सपनों और उम्मीदों को साकार करने में मदद मिली। ऐसी उपलब्धियों को हासिल करने का हम कोई भी मौका खाली नहीं आने देंगे जिनसे जन सरोकारों को मजबूती मिलती है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन चुनाव के दौरान जो वादे किए जा रहे हैं, सरकार बनने पर उनके अमल पर निगाह रखने के लिए बकायदा व्यवस्था की जाएगी। भारत को एक ऐसा देश बनाने की दिशा में कदम उठाएंगे जहां वादों का सम्मान होता है, जहां सरकार जो कहती है वो करती है, सरकार की जुबान में वजन होना चाहिए। इसके शब्दों और कर्मों में फर्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने पहले भी ये करके दिखाया है, हम आगे भी यह करके दिखाएंगे। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे जवाहरलाल नेहरू जी की कई वो बात याद आती है जिनमें उन्होंने ये भावना व्यक्त की थी कि भविष्य का निर्माण करते हुए सुविधा या आराम के लिए कोई जगह नहीं होती है, बल्कि अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए बिना थके मेहनत करनी होती है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आज जिस संकल्प को अपने मन में लेकर हम यहाँ इकट्ठा है, उसे सच्चाई में तब्दील करने के लिए हमें भी संघर्ष में पीछे नहीं रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जय हिंद।